पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को अप्रैल 1988 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश किया गया था और मार्च 1989 में पारित किया गया था। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। क्या होती है ग्राम पंचायत? भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अंग है। आपको बता दें कि सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। हर गांव में एक प्रधान होता है जिसको सरपंच या मुखिया कहते हैं। पंचायती राज की शुरुआत। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1952 में योजना आयोग में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस विषय में और अधिक अध्ययन के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यमवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया। आपको बता दें, पंचायती राज संस्थाएं तीन हैं: ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज हमारे देश में एक स्वदेशी और समय सम्मानित अवधारणा है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल ग्राम समुदायों को एकजुट रखने के लिए बल्कि स्थानीय मामलों के प्रबंधन में उनकी स्वतंत्र रूप से मदद करने के लिए ग्राम पंचायती व्यवस्था पर बल दिया गया। ग्राम पंचायत के कार्य और उत्तरदायित्व। संविधान के अनुसार ग्राम सभा के पास वे शक्तियां होंगी और ऐसे कार्यों के संपादन का दायित्व होगा जो राज्य की विधायिका द्वारा विधि सम्मत तरीके से उसे प्रदान किए जाएंगे। पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए जाने से पहले सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी के रूप में व्यक्तियों के चयन या चिन्हित करने का दायित्व भी इसके पास होता है। संविधान के अनुसार ग्राम सभा के पास कई शक्तियां होती हैं, जैसे पंचायत के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों से नगद या स्वैच्छिक श्रम के रूप में अथवा दोनों रूप में सहायता करना, जन शिक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में सहायता करना, गांव में सभी समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव बढ़ाना, निगरानी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में उचित कार्यवाही की चर्चा और अनुशंसा करना। ग्राम पंचायत की भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण और विशिष्ट कार्य हैं। किसी भी कार्य विशेष योजना आय तथा व्यय के बारे में मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगना, निगरानी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में उचित कार्यवाही की चर्चा और अनुशंसा करना, ग्राम सभा के संज्ञान में लाए गए अन्य विषय, करों, दरों, किराया तथा शुल्क लगाने और उनमें इजाफा करने पर विचार करना, ग्राम पंचायत द्वारा इसके निर्णय के लिए भेजे जाने वाले सभी मामलों पर विचार करना। उन्नति की राह पर चलेंगे प्रधान, तभी तो विकास करेगा ग्राम।